मेरे चैनल पे सीज एक्सपोर्ट करके एक नया एक नेक बैंड है जो कि 300 रुपये में आपको मिलेगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलता है, अमेजोन पे भी है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। लेकिन ये जो एयरफोन है इसके अंदर आपको अलार्म फीचर आपको मिलता है, यानी कि आपको वाइब्रेट होगा जब आपका कॉल आएगा, तो ये काफ़ी अच्छा। बट एक चीज़ आपको एक इसमें गारंटी नहीं मिलता, तो स्पेसिफिकेशन पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड करना कि क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी ओवरऑल और एवरेज ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन का बैटरी बैकअप देगा आपको, एक घंटा चार्ज करने में लगेगा। मैं यहाँ पर जो वीडियो है मेरा शॉर्ट में रहेगा, लेकिन आपको इस वीडियो में पता चला आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो वारंटी नहीं है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई डिफेक्टिव आपको देखना पड़ेगा 10 दिन में कितना क्या डिफेक्टिव, क्योंकि अगर निकला डिफेक्टिव तो फिर ये आपको प्रॉब्लम देगा और फिर बाद में फिर आपका वेस्ट मनी जा सकता है। इसके पहले जो मैंने एक रिव्यू किया था उससे तो मुझे अच्छा लगा ये वाला, इसमें बैटरी भी इसका चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल कनेक्टिविटी भी इसका बहुत अच्छा है। खाली एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जिस वजह से वज़न थोड़ा सा सबको लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा है, तो वो हिसाब से भी मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो इसमें आपको नहीं देखने को मिला, मुझे तो अभी तक मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे देखने नहीं मिला। साउंड क्वालिटी की बात करें तो यस डीप बेस है, बट उतना डीप बेस नहीं है जितना कि नॉर्मल मी बेसिक में भी होता है। मी बेसिक में भी मैं समझता हूँ कि मी बेसिक एक ऐसा अच्छा एयरफोन एक एग्ज़ाम्पल है जो कि आप देख सकते हो, और मी बेसिक जैसा क्वालिटी भी मुझे ज़्यादा करके मैं ब्लूटूथ एयरफोन में मैंने देखा नहीं, बट उससे थोड़ा सा कम है फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो मी बेसिक एयरफोन भी एक अच्छा गो टू है, लेकिन अभी के टाइम में कैसा एक ब्लूटूथ एयरफोन हमको लेना, तो ब्लूटूथ एयरफोन अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपको पता नहीं है कि भाई अगर आप सर्च करके आप यहाँ तक आप ये एयरफोन पर अगर आप पहुँचे हो, तो मेक श्योर मैंने एयरफोन्स के वीडियो बनाए, रिव्यू किए, फुल रिव्यू मैंने एकदम अच्छा मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर किए, पहले जाके वो वीडियो देखो, उसके बाद आपको मदद मिलेगा कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे प्राइस के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो इस वक्त तो मैं कोई भी ब्लूटूथ एयरफोन लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने देखा कि भाई उसको बार बार चार्ज करने के लिए दिक्कत बहुत होता है, क्योंकि जो नॉर्मल एयरफोन्स है उसमें चार्जिंग करना नहीं होता, और कभी बाहर जाना होगा एयरफोन लेके तो पता नहीं कि कभी उसका चार्जिंग पॉइंट होगा 30 पे, कभी 40 पे होगा, फिर वो इंडिकेशन देते रहेगा लो बैटरी का, तो फिर वो भी एक इरीटेट कर डालता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा करके बाहर मैं सिर्फ घर में यूज़ करता हूँ, ताकि कॉल के लिए प्रॉब्लम ना हो, कभी समझो आप घर में कभी ट्रैवल करो, तो मेरे हिसाब से जो ब्लूटूथ एयरफोन है काफ़ी सही है, मगर अगेन जो चार्जिंग काफ़ी अच्छा मतलब बैटरी काफ़ी ज़्यादा होगा तो सही है। ये एयरफोन मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा है, ज़्यादा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो ये एयरफोन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वारंटी नहीं है इसमें, आपको समझना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ सही है। बट अगर आप 300 रुपये अगर आपका बजट है, तो मैंने इसके भी कैटेगरी में कई सारे मैंने वीडियोज़ बनाए, एरोमा का कोई केयर वाला कोई है समथिंग 294 रुपीज़ का था, पहले आप वो भी चेकआउट करें, उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा, आप देख सकते हो, ठीक है।